राम राम भैया रो, हमें सचिन चौधरी चिंते हुई हो। आज जिन शख्सियत से हम आपको मिलवा रहे, उनसे मिलवावे के पहले हम रामलीला को एक छोटो सो संवाद आपको बता रहे कि जब परशुराम जी धनुष टूटने के बाद जब नाराज भए तो उन्होंने रामचंद्र जी से एक बात कही कि हे राम, तुम्हारी बातों से नरमाही मुझ में आ रही है, पर देखा तेरे भाई को छाती मेरी फट जा रही है। कहा कि लक्ष्मण जी थे उग्र स्वभाव, जो उग्र स्वभाव के, और लक्ष्मण सिंह जी इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में तनक तनक बीच बीच में उग्र स्वभाव दिखा रहे। सर कैसी चल रही सरकार? एक तो मेरे उग्र स्वभाव पहले हो तो अब नहीं है, अब जरा शांत स्वभाव है, पर जो क्या करें, लोग बोलवे पे मजबूर कर दें। अब कोई आके मेरे घरे मोई बुरो भलो के है, वो बिना बात के तो मोई भी कहना पड़ेगी, तो मैंने कह दी। तो जहाँ में उग्रता वाली बात नहीं है, जो तो एक जवाब है, जो जिसको जैसे देनो तो दे दो। तो बाबा जी क्या कर रहे, पूरे प्रदेश में घूम रहे भटक भटक के, और जो है कंप्यूटर बाबा, और कह रहे कि इतने खनन हो रहा, उतने खनन हो रहा। अब सरकार या तो खनन पर रोक नहीं लगा पा रही, कि बाबा पर रोक नहीं लगा पा रही। देखो ऐसो है, ये बाबा की का जरूरत पड़ गई सरकार है और पार्टी है, मेरी आज तक समझ में नहीं आई। हमारी पार्टी जो है एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हमारी पार्टी जो है वो विकास में विश्वास रखती है। अगर हमें नदी का अवैध खनन रोकना है, नदी को संरक्षित करना है अपने, तो बाके वास्ते वैज्ञानिकन की जरूरत है, बावन की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक बताएंगे कि नदी साफ कैसे होगी, वो प्लांट लगाने पड़ेंगे, बिना सफाई वाले जो जो नदी साफ करते हैं वो प्लांट लगाने पड़ेंगे, तो ये वैज्ञानिकों का काम है। तो इनकी क्या जरूरत है? और मेरी तो जहां तक खबर है कि जे वसूली करते फिर रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जो वो बता रहे हैं कि जे बाबा जाते हैं पहले डराते धमकाते फिर वसूली करते हैं, इसके प्रमाण भी हैंगे। और जब बात बहुत जल्दी निकलेगी, और निकलेगी तो फिर सरकार कोई मोह नीचे होगा, और तो कुछ हो नहीं। तो आप चाह रहे हैं कि बाबा पे रोक लगवे? बाबा की जरूरत का हैगी अरे भाई ये बाबा आएंगे तो जहां हिमालय पे बैठे तपस्या करें, हम मानेंगे इन्हें। जो संत हिमालय पे बैठे हैं, जो संत तपस्या कर रहे हैं, जो संत जो लोभ लालच में नहीं पड़ते हैं, हमारे लिए तो वो पूजनीय है। हम तो इनकी पूजा करेंगे, हर कोई की पूजा थोड़ी करेंगे। आप जब से सरकार बनी लगातार कछु ना कछु अपनी जो असहमति है तमाम सारे मुद्दों पे आपने जताई है, उसको कारण क्या है? देखो कांग्रेस पार्टी में खुल के बोलने की एक अच्छी परंपरा है। हमारी कोई हिटलरशाही पार्टी नहीं है कि एक लाइन खींच दई बस भाई। हमारी तो प्रजातांत्रिक पार्टी है, हम लोग अपनी अपनी राय देते हैं और पार्टी सुनती है और उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन जी तरह को अभी माहौल चल रहा है सिंधिया जी को लेकर, तमाम तरीके की बातें आ रही है, उनके समर्थक तो कह रहे हैं कि नई पार्टी भी बना लो महाराज साहब, आपको क्या लग रहा हो कि साल भर के बाद अगर इन चीजों पे कंट्रोल हो तो आप पार्टी के भीतर तो ठीक हो, तो या जो बातें हो रही बेठीक हो रही? देखिए सिंधिया जी ने जो कछु कहो है, उनने कही कि घोषणा पत्र को लागू करो, जामे का गलत बात है, जामे कोई गलत बात नहीं। मैं खुद कह रहा हूँ घोषणा पत्र लागू करो, हर घर कार्यकर्ता कह रहा है, जनता कह रही है घोषणा पत्र लागू करो। घोषणा पत्र अब लागू कर रहे हैं, थोड़ो बहुत लागू करो भी है, लेकिन बहुत कुछ करनो बाकी है, पहली बात। दूसरी जो सिंधिया जी ने कही है वो बाबरिया जी ने बापे मोहर लगा दी। अब बाबरिया जी हैं कांग्रेस के प्रभारी, जब उनकी मोहर लग गई तो सही है। लेकिन जी तरह से पूरे बयान सामने आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि पार्टी की जो कार्यकर्ता के बीच जो मैसेज है वो कमजोर हो तो कहूं ना कहूं? कछु नहीं, कार्यकर्ता भी चाह रहा है कि घोषणा पत्र पूरा हो, और दबाव थोड़ा बहुत सरकार पे बने तो अच्छी सरकार अच्छो काम करेगी, बिना दबाव के जरा कमजोर काम होता है। जब सरकार पे दबाव रहेगा तो अच्छा काम होगा। साल सवा साल से मुख्यमंत्री जी के पास दो ही पद हैं, प्रदेश अध्यक्ष को भी है मुख्यमंत्री भी है, लगातार कही जा रही है हफ्ता भर में 10 दिन में, हफ्ता भर में 10 दिन में, लेकिन तारीख पर तारीख मिल रही।
देखो अध्यक्ष तो नयो बनाना चाहिए, क्योंकि संगठन को काम बहुत पिछड़ गया है, संगठन के बिना फिर पार्टी कैसे चलेगी, तो अध्यक्ष नयो बनाना चाहिए बिल्कुल। और सरकार के काम से साल सवा साल में आप कितने परसेंट संतुष्ट हैं? अभी देखो अभी बहुत कुछ होना बाकी है, मैं कोई समझता हूँ 25-30% काम हुआ है, 75% करना बाकी है। लेकिन जी स्पीड से चल रहा हो, उस स्पीड से हो जाएगा बढ़ाने पर है? देखो अभी स्पीड थोड़ी ढीली है, क्योंकि पैसा नहीं थे, कर्जा में राज मिलो थो, तो मुसीबत तो आई है, और केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दे, पूरे 15,000 करोड़ काट दे, 14,000 करोड़, तो समस्या तो है, और ऐसी समस्या में थोड़ा समय तो लगे। लेकिन एक सवा साल में बार बार जा बात कही जा रही है कि लक्ष्मण सिंह जी को मंत्री ना बनवे को दर्द है का? देखो मोए मंत्री बनवे को ना दर्द है न कछु है, मंत्री बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, हम तो ऐसे आदमी, हमें कोई लोभ लालच नहीं है, और हम तो अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, चाहे मंत्री बने चाहे ना बने। लेकिन जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार टाले जा रहा हो, तो कई और भी सीनियर विधायक हैं जिनमें थोड़ी सी नाराजगी है, कभी उनकी दुख तकलीफ, आपको लग रहा है ये मामले को एक बार कम से कम सेटल तो हो जाना चाहिए? अब जब पार्टी देखो कर, पार्टी का फैसला क्या होता है, जो भी होगा देखें। तो अब और आगे की क्या तैयारी है, चाहे मतलब सरकार के बिल्कुल विपक्ष बन के कि सरकार के संघ बन के? नहीं, सरकार के संघ हैं, और सरकार को काम करने पे मजबूर भी करेंगे, बोलते रहेंगे। तो ये थे लक्ष्मण सिंह जी, जिनको कह वो है कि वे हैं तो सरकार के संग है, लेकिन सरकार से काम भी करवाएं हर हाल में, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के नाते। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार के लाने। छतरपुर के लिए बड़ी सौगात, पावर जिम, फैट लॉस, फिटनेस, न्यूट्रिशन, एरोबिक्स, हेल्दी डाइट, स्टीम बाथ, जिम बियर, सब कुछ एक ही छत के नीचे, पावर जिम, ऑडिटोरियम के पास, किशोर सागर तालाब रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट 7415412426, 7682982987। यूपीएससी, पीएससी एवं वनडे परीक्षाओं के लिए अनुभवी शिक्षकों के शानदार मार्गदर्शन में सफलता का दूसरा नाम रुद्रा आईएएस एकेडमी, एमपी नगर भोपाल, इंद्रपुरी भोपाल एवं दमोह में भी। रजिस्ट्रेशन एवं अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें 9098200428। देश के पहले बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और पाएं बुंदेली में समाचारों वीडियो दो ही मजेदार।